नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में। और आज हम बात करने वाले हैं एफसीआई में जो वैकेंसी आई है उनके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें 5 पेपर होने वाले हैं, बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, डिफरेंट पोस्ट है। तो किस पोस्ट के लिए कौन सा पेपर होगा, कौन सा पेपर आपको देना होगा, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखना। और इस वैकेंसी की पेज क्वालिफिकेशन के बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, जिससे आप पॉइंट टू पॉइंट समझ सकें कि आपको कौन सा पेपर देना है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए आपको कौन सा पेपर देना है, कितने पेपर देने हैं और उन पेपर में क्या क्या आएगा इंडिकेटिव, ये हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो सिलेक्शन प्रोसीजर है एफसीआई का, उसमें 2 फेज होंगे, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। फेज फर्स्ट जो होगा वो सबके लिए कॉमन होगा और इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के, आपको 1 घंटे में ये सॉल्व करने होंगे। इसमें आपको 20 मिनट मिलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, जिसके 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही मार्क्स होंगे। वहीं रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स होंगे, इसके लिए भी आपको 20 मिनट का ही समय दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स का समय मिलेगा 20 मिनट का। तो तीनों सेक्शन के लिए 20-20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, और इंग्लिश वाले सेक्शन को छोड़ के बाकी दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएंगे। तो आप हिंदी इंग्लिश किसी भाषा में पढ़ के इनको सॉल्व कर सकते हैं। वही इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है वो इंग्लिश में आएगा। ये पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, और 4 गलत उत्तर अगर आप दे देते हैं तो आपका एक सही उत्तर काट लिया जाएगा। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके बेस पर ही कैंडिडेट को फेज सेकंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो फेज सेकंड के मार्क्स के बेस पर बनेगी। जो फेज 1 एग्जाम है उसके मार्क्स की गणना फाइनल मेरिट के लिए नहीं की जाएगी, उनको फाइनल मेरिट के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। तो फेज फर्स्ट जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो उसका काम खत्म हो गया। अब बात कर लेते हैं फेज सेकंड की। फेज सेकंड जो होगा उसमें 5 टाइप के पेपर आएंगे और ये पोस्ट वाइज अलग अलग होंगे। और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं उन वैकेंसी के बारे में जिनके लिए सिर्फ एक ही पेपर आएगा, यानी एक ही एग्जाम आपको देना होगा, एक ही पेपर देना होगा। पेपर फर्स्ट देना होगा उन कैंडिडेट को जो एजी 3rd जनरल वाले और एजी 3rd डिपो वाले हैं। इनको पेपर फर्स्ट देना है, सिर्फ एक पेपर देना है 90 मिनट का, और उसी के बेस पर उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। वहीं जो पेपर 3rd है वो टाइपिस्ट हिंदी वालों को देना है, और उस एक पेपर के बेस पर ही जो पेपर 3rd है उसके बेस पर ही टाइपिस्ट हिंदी वालों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होगी और फाइनल मेरिट जो बनेगी वो पेपर 3rd के मार्क्स के बेस पर बनेगी। तो वो कैंडिडेट जिन्होंने एजी 3rd जनरल के लिए भरा है, साथ ही डिपो के लिए फॉर्म भरा है, उनको सिर्फ एक पेपर देना है 90 मिनट का, उसी के बेस पर उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। वहीं पेपर 3rd जो है टाइपिस्ट का, उसके लिए भी एक ही पेपर होगा, उसके बाद होगी उनकी टाइपिंग। वहीं अगर हम बात करें स्टेनो की, तो स्टेनो के लिए एक ही पेपर होगा, पेपर नंबर 5, और उसी के बेस पर उनको स्टेनो के लिए बुलाया जाएगा और उनको फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा। और जो मेरिट बनेगी वो 5वें पेपर के मार्क्स के बेस पर बनेगी। तो असिस्टेंट ग्रेड 3rd जनरल, डिपो, इसके अलावा टाइपिस्ट हिंदी और स्टेनो, इन चारों पोस्ट के लिए एक ही पेपर होगा, यानी एक सिंगल पेपर देना है आपको, और ये पोस्ट वाइज अलग अलग होगा। पेपर फर्स्ट आएगा एजी जनरल और डिपो के लिए, पेपर 3rd आएगा टाइपिस्ट के लिए, और पेपर 5th आएगा स्टेनो के लिए। ये तो बात हो गई उन वैकेंसी के लिए जिनके लिए एक ही पेपर होना है। अब हम बात कर लेते हैं उन वैकेंसी की जिनके लिए 2 पेपर होने हैं, यानी आपको 2 पेपर देने होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं 2 पेपर वाली जो वैकेंसी हैं, तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो कि पोस्ट स्पेसिफिक होगा। पेपर फर्स्ट वही होगा जो एजी 3rd का है, वही एक कॉमन पेपर होगा, वही पेपर सेकंड होगा आपका सब्जेक्ट का। तो जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आपको दोनों देने होंगे वो हैं जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इसके अलावा एजी 3rd अकाउंट्स और एजी 3rd टेक्निकल। ये 4 वैकेंसी हैं जूनियर इंजीनियर की, इसके अलावा असिस्टेंट अकाउंट्स और टेक्निकल की। इनके लिए आपको एक पेपर कॉमन देना होगा जो डिपो वाले देंगे और जनरल वाले देंगे, इसके अलावा आपको अपने सब्जेक्ट का भी एक पेपर देना होगा। सब्जेक्ट का जो पेपर है वो होगा पेपर सेकंड। तो जो आप पोस्ट स्पेसिफिक पेपर देंगे उसके नंबर भी आपके लिए मेरिट में जोड़े जाएंगे, और दोनों को मिलाकर ही आपकी मेरिट बनेगी। और जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है वो सिंगल सिटिंग में ही होंगे, यानी 90 मिनट का आपका पेपर फर्स्ट होगा, उसके साथ ही आपके सब्जेक्ट का जो पेपर है वो भी आयोजित कराया जाएगा। और जो आपका पेपर सेकंड है वो होगा 60 मिनट का। तो वो कैंडिडेट जो अकाउंट और जूनियर इंजीनियर का फॉर्म भर रहे हैं उनको 60 मिनट का एक पेपर अलग से देना होगा। 60 मिनट का एक पेपर आएगा उनका सब्जेक्ट का, वो भी उनको देना होगा। तो 90 मिनट का आपका पेपर फर्स्ट आपको देना है, इसके अलावा 60 मिनट का आपको देना है पेपर सेकंड, और ये दोनों आपको सिंगल शिफ्ट में ही देने हैं, यानी आपको 2.5 घंटे
एग्जाम हॉल में बैठना होगा। अब हम बात कर लेते हैं पेपर थर्ड की और पेपर फोर्थ की। ये पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ है ये एजी हिंदी वालों को देना है, यानी असिस्टेंट ग्रेड सेकंड हिंदी वाले जो हैं उनको पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ देना है। तो जो कैंडिडेट असिस्टेंट ग्रेड सेकंड हिंदी के लिए फॉर्म भरेंगे उनको पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ देना होगा, और इसमें जो पेपर फोर्थ होगा वो 90 मिनट का होगा। तो पेपर थर्ड भी 90 मिनट का होगा और पेपर फोर्थ भी 90 मिनट का होगा, दोनों 90-90 मिनट के होंगे, यानी आपका 3 घंटे का लगातार एक ही शिफ्ट में ये एग्जाम कराया जाएगा। तो पहले आप पेपर थर्ड देंगे, उसके बाद देंगे आप पेपर फोर्थ। और जो पेपर फोर्थ है वो सब्जेक्टिव टाइप होगा, जिससे आपकी हिंदी की नॉलेज को परखा जा सके। तो जो असिस्टेंट ग्रेड सेकंड हिंदी के लिए फॉर्म भर रहे हैं कैंडिडेट, वो इस चीज़ का ध्यान दे लें कि उनके लिए पेपर फोर्थ जो होगा वो सब्जेक्टिव टाइप होगा, जैसा हम लोग 10th 12th में BA BSc में लिखते हैं उस तरीके का पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप, और आपको वो करना होगा। पेपर थर्ड जो होगा जो कि टाइपिस्ट के लिए और असिस्टेंट ग्रेड सेकंड हिंदी के लिए है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, लेकिन जो पेपर फोर्थ है जो असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के लिए विशेष तौर पर बनाया जाएगा वो सब्जेक्टिव टाइप होगा। इसके लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। तो इन दोनों को मिला के आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, आपको 3 घंटे पेपर देना होगा, 90 मिनट ऑब्जेक्टिव और 90 मिनट डिस्क्रिप्टिव, और ये सिंगल शिफ्ट में ही होगा। पेपर फर्स्ट जो है वो पोस्ट कोड ABFGHI यानी जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के लिए कॉमन रहेगा, वहीं पेपर थर्ड जो है वो टाइपिस्ट और असिस्टेंट हिंदी के लिए कॉमन रहेगा। अब पेपर के बारे में हम आपको थोड़ी और जानकारी दे देते हैं। पेपर फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ जो हैं वो 120 क्वेश्चन आएंगे, उसमें प्रत्येक के लिए 1 अंक दिया जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 120 और समय आपको 90 मिनट का मिलेगा। वहीं जो पोस्ट स्पेसिफिक पेपर है फेज सेकंड का यानी जूनियर इंजीनियर के लिए, इसके अलावा AG अकाउंट्स और टेक्निकल के लिए वो 60 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, इसका समय होगा 60 मिनट का। इन पेपर के लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। वहीं जो पेपर फोर होगा असिस्टेंट हिंदी के लिए वो सब्जेक्टिव टाइप होगा, 2 क्वेश्चन आएंगे 60-60 अंकों के, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी क्योंकि सब्जेक्ट पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब हम पेपर को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। तो ये पेपर फर्स्ट आएगा असिस्टेंट जनरल और डिपो के लिए, इसके अलावा अकाउंट्स के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए, टेक्निकल के लिए, ये आएगा 120 क्वेश्चंस में आएंगे, 90 मिनट का ये होगा। इसमें जनरल एप्टीट्यूड जिसमें रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, जनरल अवेयरनेस, करंट इवेंट्स, डाटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं पेपर सेकंड जो होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, अकाउंट्स और टेक्निकल के लिए ये पेपर आएगा। बात करें पेपर थर्ड की तो ये 90 मिनट का होगा, इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक के लिए 1 अंक दिया जाएगा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर नॉलेज, ये सब आपकी परखी जाएगी, जो कि असिस्टेंट ग्रेड सेकंड हिंदी और टाइपिस्ट के लिए होगा। तो पेपर थर्ड जो होगा वो टाइपिस्ट और हिंदी असिस्टेंट के लिए होगा। वहीं पेपर फोर जो होगा वो सब्जेक्टिव टाइप होगा, 90 मिनट का होगा, इसमें आपको ट्रांसलेशन करना होगा 2 पैसेज का, एक का हिंदी से इंग्लिश में और दूसरा इंग्लिश से हिंदी में। प्रत्येक प्रश्न के लिए 60 अंक दिए जाएंगे, टोटल 120 होंगे, समय होगा 90 मिनट का। ये आपको कंप्यूटर पर करना है और इसमें आपको रेमिंगटन और इनस्क्रिप्ट 2 फॉन्ट मिलेंगे, उनको ही आपको इस्तेमाल करना होगा। वहीं बात करें हम पेपर फिफ्थ की, जो 90 मिनट का होगा, स्टेनो के लिए जो आएगा उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश के, जनरल अवेयरनेस के, जनरल इंटेलिजेंस के, इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज के, MS वर्ड और इंटरनेट संबंधित, और ये पेपर स्टेनो वाले कैंडिडेट के लिए आएगा। तो साथ ही जो फेज वन एग्जाम होगा, पहले जो एग्जाम होगा जिसके बेस पर कैंडिडेट को फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, वो कॉमन होगा और उसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। फाइनल मेरिट बनेगी फेज सेकंड एग्जाम के बेस पर। पोस्ट कोड ABGH यानी जूनियर इंजीनियर, इसके अलावा असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, अकाउंट्स और टेक्निकल की जो वैकेंसी है उनके लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के मार्क्स के बेस पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। वहीं जो असिस्टेंट ग्रेड सेकंड हिंदी वाले हैं उनकी मेरिट बनेगी पेपर थर्ड और फोर्थ के बेस पर। जो कैंडिडेट टाइपिस्ट हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको पेपर थर्ड के मार्क्स के बेस पर ही सेलेक्ट किया जाएगा, लेकिन उनको टाइपिंग करनी होगी, टाइपिंग क्वालिफाई करने के बाद ही उनकी मेरिट बनाई जाएगी। स्टेनो ग्रेड सेकंड के लिए पेपर फिफ्थ के बेस पर ही उनको सेलेक्ट किया जाएगा कैंडिडेट को, लेकिन उनको स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। सभी जो पेपर होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, सिर्फ जो AG सेकंड का पेपर आएगा पेपर फोर्थ वो सब्जेक्टिव टाइप होगा, और जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। तो स्टेनो टाइपिस्ट, असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जनरल और असिस्टेंट ग्रेड थर्ड डिपो के लिए एक ही पेपर होगा, बाकी के लिए 2-2 पेपर आयोजित किए जाएंगे। ये बात हो गई सिलेक्शन प्रोसीजर की। साथियों, हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।